देखो दिखने में कैसा खतरनाक दिख रहा है, लेकिन चाइना के लोगों को कच्चा खाना पसंद है, क्यों पता नहीं। तो भाई स्वागत है आपका एक और नए धमाकेदार वीडियो में। चाइना की भाई मशहूर डिश जो ऑक्टोपस खाते हैं लोग, इधर कच्चा खा जाते लेकिन भाई फाइनली इधर पका हुआ दिख रहा है मेरे को, पका हुआ मिल रहा है। तो फटाफट इसको ले लेते हैं और इसका टेस्ट देखते हैं कैसा है भाई। मतलब चाइना की वीडियो बना रहा हूँ तो चाइना की अलग अलग चीज़ें तो ट्राई करूंगा ही मैं। चाइना आया हूँ किस लिए हूँ, आपने बोला है तो खा के रहूँगा, सब खा के रहूँगा। बाकी इधर दिखाओ भाई, पहले ये सेटअप दिखाओ। ये जो पत्थर है ना भाई, पत्थर के ऊपर इसको गर्म करते हैं, उसके ऊपर रोस्ट करके अच्छे से पकाते हैं धीमी धीमी आंच पे, फिर देते हैं। और इधर जो है इसको तवे के ऊपर ही रोस्ट करते हैं, तवे के ऊपर मस्त फ्राई करके दे देते हैं। और इसका प्राइस क्या है पता नहीं, हाउ मच प्राइस पूछ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा। ये 35 का है भाई, मतलब 350 के आसपास लगभग कर लो एक, या दिस वन। तो इसको सिंपली रोस्ट करने डाल दिया भाई, और क्या ही करेंगे भाई, ये बस रोस्ट कर देते हैं तवे पे यार। मेक स्पाइसी स्पाइसी नो स्पाइसी नो स्पाइसी बोल रहे भाई, ये सॉस के ऊपर बस रोस्ट कर रहे हैं। और ये कौन सा सॉसेज डाल दिया भाई इन्होंने पता नहीं, और ऐसी बस बना के रोस्ट करके दे देंगे और कच्चा खाओ, जाओ मरो, तुमको जो पेट में होना होने दो। लेकिन इधर के लोग को जमता है खाने के लिए, तो देखते हैं अपने को भी जमता है कि नहीं, शायद से जम जाएगा। नो ओके भाई, सिंपली एक मिनट गर्म करके दे दिया इन्होंने, ये देखो रेडी हो गया, एक मिनट गर्म कर दिया बस, क्या बोलूँ भाई मैं। तो चलो भाई गर्मा गर्म है, धुआं निकल रहा है, फटाफट टेस्ट किया जाए, रहा नहीं जा रहा अब, इतना ज़बरदस्त चीज़ है। बाकी भाई इधर देखो पूरा मार्केट है, पूरा इधर बनता रहता है सब, हर एक चीज़ बनती रहती है। और इधर ही अपन खा रहे हैं, पूरा मार्केट घूम रहे। कच्चा तो है, वाओ वाओ गुड गुड भाई, टेस्ट तो मस्त है ऑक्टोपस का भाई, टेस्ट लाजवाब आ रहा है। देखो दिखने में कैसा खतरनाक दिख रहा है, लेकिन भाई खाने में मज़ेदार है। मैं तो ऊपर ऊपर का ही खा रहा हूँ, अभी मेन बाइट पे आ जाता हूँ सीधा। भाई सॉस से पूरा भरा पड़ा एक साइड से, और एक साइड से पकाया भाई, अलग टेस्ट है, एकदम अलग टेस्ट है। मैंने जैसे थाईलैंड में खाया, वियतनाम में खाया, उससे कई गुना अलग है। स्पाइसी भी नहीं है और मीठा खट्टा भी नहीं है, एकदम अलग ही टेस्ट है। बस कच्चा है लेकिन मेरे लिए अच्छा है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं। पूरा मुँह गंदा होने का काम है, बस चबाना ज़्यादा पड़ता है यार। चाइना के लोगों को कच्चा ही खाना पसंद है, क्यों पता नहीं, हर एक देश में भाई कच्चा ही लोग खाते हैं। बीच वाली साइड थोड़ी ज़्यादा पकी है। तो चलो भाई इसको बैठ के ऐसे आराम से खाता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी है भाई। जैसे कि पूरा मार्केट है, उस हिसाब से मेरे को लगता है इधर मैं 10-12 चीज़ें तो खा जाऊँगा एक बार में, क्योंकि मेरा पेट जो है जल्दी भरता ही नहीं है। और इतने इतने से चीज़ों से क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा, बस टेस्ट मिलेगा नया नया, मज़ा आएगा। लेकिन अब रही बात लोकेशन की, तो भाई आप जान के ही क्या कर लोगे, आने वाले तो हो नहीं, खाने वाले तो हो नहीं, मेरे को भी बताओगे खाने वाले हो। अगर किसी को भी खाने का मन कर रहा है, मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा खाओ, अगर कर रहा होगा तो हमें भाई चाइना बीजिंग में, बीजिंग एरिया का ये स्ट्रीट है, इधर आ गए हैं घूमने के लिए, ऐसे बीचों बीच एरिया आता है उधर, एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो वीडियो को बड़ा ना करते हुए वीडियो करते यहाँ पे ख़त्म। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं है तो भाई क्या करो, फटाफट लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अपने पेज पे नहीं हो तो फॉलो करना मत भूलना, तो हम ऐसे बेहतरीन बेहतरीन और नई वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे चाइना के। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कांदा, बाय बाय, टेक केयर।